हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हैना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे इनकम टैक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं वो। और जो बीकॉम के अंदर जो सब्जेक्ट हैं जिनकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, उनके नोट्स मैं आपको मेरे चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगी। इसके पहले के जो दो क्वेश्चंस थे वो मैं करवा चुकी हूँ। मेरी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले की, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड। ये एग्ज़ाम के अंदर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एवरी एसएससी इज़ अ पर्सन बट एवरी पर्सन नॉट टू बी एन एसएससी कमेंट। अब इस बात पे हमें कमेंट करना है। सबसे पहले इसमें दे रखा है एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी टू बी एसएससी। दिस एज एन एक्सप्लेन एज अंडर, इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। एसएससी क्या होता है वो हमने जो पिछला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि एसएससी क्या होता है। एसएससी मैं एक बार फिर से वैसे भी बता देती हूँ, एसएससी होता है वो पर्सन जो कि एसएससी वो होता है जिसके द्वारा टैक्स पे किया जाता है। एक पर्सन होता है जो टैक्स पे करता है, होम टू टैक्स पे, जो टैक्स पे करता है। और अगर आप पूरी डिटेल में समझना है एसएससी क्या होता है, तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो इसका पहले का पार्ट है, सेकेंड पार्ट। इसके बाद हम करेंगे पर्सन क्या होता है। पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग, पर्सन जो होता है वो इंक्लूड करता है। पर्सन आता है सेक्शन टू, सब सेक्शन 31। पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग, सबसे पहले है एन इंडिविजुअल। पर्सन के अंदर एक इंडिविजुअल इंक्लूड होता है। एन इंडिविजुअल मीन्स ए नेचुरल पर्सन और ए ह्यूमन बींग हु मे बी मेल, फीमेल, माइनर, चाइल्ड और लुएंटिक। पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन कोई भी हो सकता है। एक इंडिविजुअल पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल है वो, चाहे मतलब जो नेचुरल पर्सन होते हैं, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, मतलब चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे बच्चा हो, मतलब वो उस इंडिविजुअल के अंदर इंक्लूड होगा एक पर्सन के अंदर। इसके बाद इंक्लूड होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको वन वन डिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, एक जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली भी बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अंदर है एच यू, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एच यू एफ मीन्स ए हिंदू फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लाइनली डिसेंटेड फ्रॉम द कॉमन अनसर्न इंक्लूडिंग द वेव ऑफ अनमैरिड डॉटर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या होता है कि एक फैमिली होगी, हिंदू फैमिली, जिसके अंदर मतलब सारे पर्सन कंसर्न की जाएंगे। जो अनमैरिड डॉटर होगी वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी, जैसे कोई लड़की जिसकी शादी नहीं हो रखी है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। इसके बाद है कंपनी, मतलब पर्सन के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। एक कंपनी, कंपनी क्या है, ए कंपनी में भी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो क्रिएटेड की जाती है लॉ एंड परपेचुअल सिग्नेचर। एक कंपनी के ऊपर कॉमन सील लगी होती है और शेयरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी, उसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी है। उसके बाद है एक फर्म, एक फर्म भी पर्सन के अंदर इंक्लूड होती है। फर्म क्या होगी, अब फर्म मीन्स अ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब होता है एक पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर बहुत से पार्टनर्स होते हैं, विच इज़ डिफाइंड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफाइंड की जाती है। पार्टनरशिप मतलब एक फर्म के अंदर बहुत से पार्टनर जुड़ के एक फर्म बनती है, तीन चार पाँच जुड़ के एक फर्म बनाई जाती है, वो आता है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स टू और मोर पर्सन ज्वाइन विद अ कॉमन पर्पज फॉर अ पर्पज ऑफ अर्निंग। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन बी कंपनी, BOI और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और अदर लीगल एंटिटी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा पर्सन कोई कॉमन पर्पस के लिए जुड़ें और अपनी जो एसोसिएशन है उससे अर्निंग करें, उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअली या लीगल एंटिटी, कोई लीगल एंटिटी होती है। इसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, BOI मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर विद ऑब्जेक्ट टू अर्न इनकम। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ
मतलब पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दो या दो से ज़्यादा बंदे जुड़ के अपना एक काम करते हैं अर्निंग के लिए। बट BOI का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, 5-6 बंदे ग्रुप क्या होता है भाई, 7-8 बंदों का ग्रुप हो गया, 10-12 बंदों का ग्रुप हो गया, 15-20 बंदों का ग्रुप हो गया, वो जुड़ के जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है अर्न इनकम, पैसे कमाना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ओनली कंटेन इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो होता है वो इंडिविजुअल पर्सन को ही कंटेन करता है, इंडिविजुअल पर्सन को ही लेता है। इसके बाद है एवरी ना लोकल अथॉरिटी, अ लोकल अथॉरिटी इंक्लूड मनीप्लेटी डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग एक्सेट्रा। जो लोकल अथॉरिटी होती है ये जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग वगैरह होती है इनको इंक्लूड करती है। उसके बाद है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशरीज, जो हर एक जुडिशरी होती है वो सब क्लोसेस से होके गुजरना कोई ज़रूरी नहीं होती है। हैंस अ पर्सन हु फुलफिल्स एनी ऑफ द कंडीशन, अगर कोई पर्सन जो है वो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है, लेट डाउन फ्रॉम बींग एस एस सी हो या फिर शेल नॉट बी एन SSC, अगर SSC नहीं भी हो, इफ ए पर्सन डज नॉट फुलफिल एनी कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट ऑफ हैज़ नॉट बीन टेकन, ही इट विल बी द पर्सन बट नॉट एन SSC। अगर ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल नहीं करता है तो वो पर्सन तो होगा बट एक SSC नहीं होगा। दस द गिवन स्टेटमेंट इज ऑब्सोल्युटली ट्रू, जो ये गिवन स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट दे रखी, स्टेटमेंट थी कि जो SSC इज अ पर्सन, SSC एक पर्सन होता है, SSC हमेशा एक पर्सन होता है, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन SSC, बट हर एक पर्सन एक SSC नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर ऑफ द फॉलोज, डिस्कस द रूल विद एक्सेप्टेशंस। इसके 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब इस टाइप से वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। इनकम टैक्स इज लेव्ड ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इफ नॉट व्हाट आर एक्सपेक्टेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या होता है, और विच आर एक्सपेक्टेशन टू प्रीवियस ईयर। मतलब एक क्वेश्चन ये इसको घुमा फिरा के ये चीज़ दे सकता है कि भाई प्रीवियस ईयर के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग। इसके बाद वही क्वेश्चन इसने फिर से घुमा दिया, गिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द रूल ऑफ द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, भाई रूल ऑफ द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्ज इन द असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर के अंदर चार्ज किया जाता है। सबसे पहले है आंसर इसका, मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, प्रीवियस ईयर क्या होता है, और अगर आपने वो प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो वो भी आप, मेरी पिछली वीडियो थी जो इससे पिछली वीडियो थी, क्वेश्चन फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो आप जाके देख सकते हैं, उसके अंदर प्रीवियस ईयर मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे जो उसके एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल विद रिगार्डिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, जो रूल्स है रिगार्डिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वो हम इस वीडियो में करेंगे, इस के अंदर करेंगे। प्रीवियस ईयर अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। वैसे इसमें दे भी रखा है ये, प्रीवियस ईयर मीन्स द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड एंड द ईयर इन विच इट टैक्सेबल इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है कि जैसे अब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक कंपनी है उसने स्टार्ट किया बिजनेस 2020 के अंदर, 2020 और 21, उसके बाद हम असेसमेंट ईयर कौन सा होगा 21 और 22। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना टैक्स, टैक्स कैलकुलेट कब करेंगे, टैक्स कैलकुलेट होगा 2020 और 21 का, और असेसमेंट ईयर होगा जो चल रहा होगा वो होगा 1 अप्रैल 2021 टू 2022। और अगर आपको और डिटेल में समझना है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद है यस इट इज़ ट्रू दैट जनरली इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन लिमिटेड फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। जो जो प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम जनरेट होती है वो टैक्सेबल कब होती है, असेसमेंट ईयर के अंदर, ठीक है। बट वी आर नॉट फुली एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट, बट इसके अंदर हम फुल्ली एग्रीड नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, बिकॉज दे आर सम एक्सपेक्टेशन, कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं एक्सपेक्टेशंस टू दे दीज जनरल रूल्स। इन द 5 केसेस गिवन बिलो इनकम इज टैक्स्ड इन अंडर इन द विच इज अर्न्ड। 5 केसों में ऐसे 5 केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जिस
मतलब जिस टाइम पे इनकम अर्न हुए, प्रीवियस ईयर के अंदर हमने जो इनकम अर्न किया उसी टाइम पे उसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन ज़्यादातर, लेकिन इन 5 केसों को हटा के टैक्स हमेशा असेसमेंट ईयर के अंदर ही लगता है। तो ये 5 केस हम पढ़ लेते हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंस, सेक्शन 172 के अंदर आता है ये। व्हेन अ नॉन रेजिडेंट शिप ओनर हैविंग नो एजेंट इन इंडिया करियर पैसेंजर्स लाइक स्टॉक मेल ऑफ गुड्स शिप डेट पोर्ट इन इंडिया, ही विल हैव टू पे द टैक्स ऑन सच इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच इनकम एक्वायर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन रेजिडेंट है हमारा कोई, और उसका एजेंट भी नहीं है इंडिया के अंदर, वो रहता भी नहीं है, उसका एजेंट भी नहीं है, और अगर वो फिर कोई शिप वगैरह लेके आता है हमारी कंट्री के अंदर तो उसको उसी टाइम पे टैक्स पे करना पड़ता है। इन अंडर दिस सेक्शन 7.5% ऑफ द अमाउंट पेड पेड फॉर पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ सच कैरिज ऑफ द नॉन रेजिडेंट्स, इस के अंदर 7.5% टैक्स उसको पे करना पड़ता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है पर्सन लिविंग इंडिया, सेक्शन 174 के अंदर आता है। व्हेन इट सीम्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट एन इंडिविजुअल में लिव इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर और शॉर्टली ऑफ फर्स्ट टू एक्सपायर एक्सपायरी एंड ही हैज़ नोट प्रेजेंट इंटेंसिव ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया, देन द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल अप टू द प्रोबेबली डेट हिज डेप्चर फ्रॉम इंडिया शैल बी चार्ज टू द टैक्स इन प्रीवियस ईयर। पर्सन लिविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन छोड़ के जा रहा है इंडिया को तो हमें पता है कि वो वापस नहीं आएगा, उल्टा नहीं आएगा, तो उसको उसी प्रीवियस ईयर के अंदर उसको उसके उसे टैक्स भरवा लेंगे पहले ही। अगर आपको पता है वो टैक्स मतलब वो छोड़ के जा रहा है इंडिया को और वापस नहीं आएगा तो उससे उसी टाइम पे टैक्स भरवा लिया जाता है उसी ईयर के अंदर। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एसोसिएशन बॉडीज फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, सेक्शन 174A के अंदर आता है। व्हेन इट सीम्स द एसोसिएशन ऑफर्स दैट एन एसोसिएशन बॉडी हैज़ बीन एस्टेब्लिश फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट एंड इट एसोसिएशन बॉडी इज लाइकली टू बी द डिजोल्व इन करंट प्रीवियस ईयर और इमिडिएटली आफ्टर सच प्रीवियस ईयर, देन द टोटल इनकम ऑफ एसोसिएशन बॉडी द प्रोबेबिलिटी डेट ऑफ द डिजोल्यूशन शैल बी चार्जेबल इन टैक्स इन द प्रीवियस ईयर। अगर वो फर्म जो है वो डिजोल्व हो रही है, वो मतलब ये हो रही है कि डिजोल्यूशन हो रहा है उसका, तो तब भी उसको उसी साल के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्स पे करना पड़ता है। अ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, अब कोई पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है कि अगर उसको टैक्स नहीं पे करना पड़े तब भी उसको टैक्स पे करना पड़ता है, वो प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्स भरवा लेते हैं, क्योंकि अगर वो पर्सन बेच देगा फिर उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उसकी इतनी प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी, तो वो पहले ही उससे प्रीवियस ईयर के अंदर ही टैक्स भरवा लेते हैं। इसके बाद डिस्काउंटेड बिजनेस, इफ़ अ बिजनेस और प्रोफेशन हैज़ बीन डिस्काउंटेड इन प्रीवियस ईयर, अगर कोई बिजनेस और प्रोफेशन है वो डिस्काउंट दिया गया है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के अंदर, देन द इनकम ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन, मतलब अब उस पर डिस्काउंट दे दिया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसको डिस्काउंट देने से पहले ही उसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर उनसे टैक्स भरवा लिया जाता है। हैंस एक्सपेक्टेशन द अबोव मेंटेन केस इनकम टैक्स इज लिव्ड ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेसमेंट ईयर, मतलब और तो सब असेसमेंट ईयर के अंदर ही इनकम टैक्स लगाती है जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, बट जो गवर्नमेंट है इनकम टैक्स ऑफिसर तो क्या लगाते हैं, गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन अगर ये जो 5 केस हैं अगर ऐसे कोई केस हों तो प्रीवियस ईयर के अंदर ही गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा देती है। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और अगर आप और भी किसी चीज़ के नोट्स चाहिए हैं जो आपको मार्केट के अंदर उसकी बुक अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर